मध्य प्रदेश में ग्राम सहायक सचिव अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ग्राम रोजगार सहायक संगठन के कार्यकर्ताओं ने जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें नियमित कर उनके वेतन में वृद्धि की जाए। नियमितीकरण की मांग को लेकर ग्राम सहायक सचिव सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में। ग्राम रोजगार सहायक संगठन के कार्यकर्ताओं ने जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंप कर नियमितीकरण की मांग की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज उपाध्याय ने कहा कि सरकार हमें सिर्फ 9,000 रुपए की सैलरी देती है और हमसे सभी काम करवाती है, अतः सरकार से हमारी मांग है कि हमें नियमित किया जाए और हमारे वेतन में वृद्धि की जाए। 18 मार्च तक सभी रोजगार सहायक सचिव अवकाश पर हैं। इनका कहना है, सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम हड़ताल करेंगे। आज हम लोग ग्राम रोजगार सहायक संगठन सहायक सचिव पद पर पदस्थ है ग्राम पंचायत में। हम लोगों के द्वारा आज जनपद पंचायत बड़वारा में माननीय सीईओ सर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके तहत हम लोग आज दिनांक 13 तारीख से 18 तारीख तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उसके पश्चात 19 और 20 दो दिन के शासन के लिए समय और दिया जाएगा। यदि इन दो दिनों में मांग पूरी नहीं होती, क्या मांगे हैं आपकी, तो 20 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मुख्य मांगे हमारी केवल नियमितीकरण है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।